मैं व्यूअर्स, अभी ये शो में दोबारा हम आ गए आप लोगों के लिए। तो इस टाइम जो है वो रश भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है और यहाँ पे जो है ये शो भी स्टार्ट हो गया। इस टाइम ये लैब खड़े हैं जो अभी ये देखें, ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है लैब की। देखें हम ये इसको यूँ चेक करेंगे, जज खड़े हैं, जज इनको जो है वो ट्राउट और इनका भागना चेक करेंगे। और ये देखें ये जज साहब जो है इन्हें चेक कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से आए हैं जी ये जजमेंट करने के लिए यहाँ पे। ये देखे देखा अहमद, इतना होता है ये सारा, वो चेक हो रहा है सारा। ये देखें बेहस दोबारा फिर अगेन उन्हें भगाया जाएगा डॉग को। ये देखें इस साइड पे भी ये लैब हैं सारे, ये हस्की भी हैं, लेकिन इस टाइम ये लैब का शो जो है वो चल रहा है। लैब्राडोर जो है वो इस वक्त रिंग में है और ये लैब्राडोर में जो है इनके पॉइंट्स चेक करके तो फिर इनको 1, 2 और 3 का जो है प्राइस दिया जाएगा। वो देखें अहमद कितना वो करेंगे, ट्रेनिंग होती है सबको, इन्हें इस टाइम चेक करेंगे सबको। जी हाँ जी, वो सभी इधर होते हैं यार, सभी दोस्त है, भाभी हैं सारे हमारे। बटू रिगल कर रहे हैं बस। वो नंबर वन पे जो भी हमें देख रहे थे लैब्राडोर, वो नंबर वन पे आ गया और उसके अलावा दो ब्लैक हैं वो सेकंड और थर्ड पे हैं। देखें फिर ये अभी दोबारा फिर एक चॉकलेट और एक ब्लैक जो है ये लैब्राडोर दोबारा रिंग में आए हैं। दोनों फीमेल्स हैं, ये फीमेल्स का जो है ये ट्रैक है इस टाइम, फीमेल बिचेस में। ये हमारे पीछे बड़े डॉग्स हैं जी, लेकिन ये लोग जो है ना तंग करते हैं डॉग को, इसलिए डॉग्स को भौंक रहे हैं। ये सब बड़े डॉग हैं, इसके अलावा ये पिट बुल भी हैं, फिर इसमें ये गोल्डन हस्की है, साइबेरियन हस्की का पीस है, ये पिट बुल हैं, ये देखिए ये पग का पीस है, बहुत क्यूट पीस है ये। अगेन ये लैब्राडोर है आई थिंक सो, ये लास्ट टाइम नंबर वन आई थी। आप ये भी लैब है इस टाइम जो है ये, क्योंकि अब शो स्टार्ट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा जो तादाद है वो बढ़ गई है दोस्तों की और डॉग्स भी काफ़ी आ गए हैं। सारा सिलसिला जो है ये आपके सामने चल रहे हैं। आप ये साइबेरियन हस्की का पेयर है जी गोल्डन। ब्लैक लैब भी है यहाँ पर, वो पिटबुल भी है सामने, बहुत मल्टी कलेक्शन यहाँ पे है हमें देखने को मिल रही है। शेफर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये अगर मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिस वन डबल कोट में है, ये ब्लैक शेफर्ड, दिस वन। देखिए ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी हमें नज़र आया साइबेरियन हस्की शेफर्ड, बहुत आउटस्टैंडिंग है ये हस्की है, ये अगेन शेफर्ड, बहुत अच्छा पीस शेफर्ड का ये भी है। एक मेरा तो जो शो में आएंगे तो नो डाउट कि वो बहुत अच्छी आउट क्लास पीस होंगे जो शो में खेलने के लिए आएंगे रिंग में। यहाँ पे ये जर्मन शेफर्ड जो हैं ब्लैक और जर्मन शेफर्ड में ये ट्राउट करेंगे यहाँ पे, अभी ये वार्म अप चल रहा है इनका, अभी ये ट्रैक पे जजिंग जजमेंट नहीं होगी इनकी, लेकिन ये सिर्फ ट्रैक पे वार्म अप दे रहे हैं डॉग्स। चले थर्ड वन, चलते चले। ये जर्मन शेफर्ड जो है इसकी अब जजमेंट स्टार्ट हो गई है जी, जज जो हैं वो सेंटर में खड़े होकर उसे जज दे रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं उसकी,
और तीन डॉग्स हैं यहाँ पे। अब देखें इनमें क्या बनता है प्राइस का। चले आप सामने आ जाए ना, व्यूअर्स को दिखाते ना अपने डॉग के बारे में भी, ये कहाँ पहुँच गया। बताया ना व्यूअर्स को कि ये लास्ट राउंड इसका भी, यहाँ तक वहाँ तक जाएगा ये। इसका ब्राउन खत्म हो गया। जैसे व्यूअर्स आपको अहमद मसूद ने बताया कि ये इसका लास्ट चक्कर था इस डॉग का। अब ये एक ब्लैक शेफर्ड लास्ट आ गया। ये इन तीनों में जो है वो पोजीशन का भी अनाउंसमेंट होगी, तो वो भी अभी आपको विजिट करवाते हैं। बनाए इसको ये नंबर वन पे। ये जीत गया अहमद, उसके चलना बहुत अच्छा। ये स्लो पे एक सारी क्वालिटी चेक होंगी ना, अभी इनमें सबकी क्वालिटी चेक होगी फिर इन्हें पोजीशन मिलेगी बेटे। अभी ये फाइनल राउंड है जी इनका, फाइनल जजमेंट इनकी चल रही है। पोजीशन अनाउंस हो गई, वो जो ब्लैक शेफर्ड था जो मैं आपको बता रहा था कि नंबर वन पे आएगा, वही नंबर वन पे अनाउंस हुआ है। और सेकंड और थर्ड का भी बताते हैं। When this dog set, this dog has got an obvious issue where his tail is not perfect. Uski tail bhi perfect nahi hai, wo second black shepherd jo tha uski. Aur hello. We judge the dog. जैसा कि वो आपको बताने के हैं, वो जज करते हैं होल तरीके से डॉग को, लेकिन हमारे वो जो हैंडलर थे वो कुछ अग्रेसिव हो गए कि नहीं मेरा डॉग की पोजीशन आनी चाहिए थी नंबर वन पे। तो ये अग्रेशन शो नहीं करना चाहिए होती हमें, पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है और जो जज में जजमेंट कर रहा है बंदा, तो उसे हमें उसकी बात माननी चाहिए। मेरी जजमेंट एक पॉइंट पे ठीक हो गई, जो नंबर वन पे आया ब्लैक शेफर्ड वो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। सेकंड पे मैं कह रहा था कि वो जर्मन शेफर्ड होगा, लेकिन वो जर्मन शेफर्ड नंबर थ्री पे है और सेकंड पे भी जो है वो ब्लैक जर्मन शेफर्ड है। तो ये जो जर्मन शेफर्ड का था वन ईयर इसकी थी एज वाले, वो कम्प्लीट हो गई। तो चलें अब बाहर चलते हैं और दोबारा देखते हैं, कुछ और नज़र आते तो आपको दिखाते हैं। चॉकलेट लैब में शेफर्ड में अभी, क्योंकि ये हाई क्लास चलने लगी है, बड़ी एज के डॉग्स आने लग पड़े हैं यहाँ पे। ये शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, बड़े शेफर्ड हैं, ब्लैक में हैं, लैप में हैं, वाइट में भी हमारे पास ये बहुत प्यारा सा डॉग है। अब इसका नाम इसकी जो है वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वाइट में भी है, शेफर्ड भी साथ हैं इसके। अभी ये जो हमारा आज का शो था वो अपनी पीक पे है जी, इस टाइम तकरीबन 4 बज गए यहाँ पे हमारे पास टाइम है। तो अभी हाई क्लास जो हैं वो चलेंगी, तो उसमें हाई क्लास में शेफर्ड ज़्यादा हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए शेफर्ड, देख सामने।
ये भी क्लासेस इतना चलती रहेंगी इधर हमारे कंपटीशन की, तो अभी हम जो है वापस घर चलते हैं। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।